हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज है वेडनेसडे सुबह, तो अभी 8 बजे हैं। तो अभी हम निकल रहे हैं कोस्टल टूर के लिए। हमारा टूर का जो पिकअप पॉइंट है मैरियट होटल, तो हम वहीं पे जा रहे हैं। अभी उबर कॉल किया है मेरे हबी ने। और आज का वेदर एकदम पूरा क्लाउडी है। यस, आज का वेदर बहुत ही पूरा क्लाउडी है। आज का वेदर कैचुलेटेड एंड ये कोलंबिया रिवर है। और सी बीच पहुंचने में काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि वो पोर्टलैंड से काफ़ी बाहर है। और अराउंड टाइम लग जाएगा, 2 घंटा तो लग ही जाएगा। हम पहले जाएंगे कैनन बीच, और वहाँ पे फिर देखेंगे कि कितना टाइम मिलता है। और हमारे जो आज के जो गाइड हैं, वो हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं काफ़ी कुछ बीच के बारे में, यहाँ के रोड्स के बारे में, एंड पोर्टलैंड के लाइफस्टाइल के बारे में। और अभी हम एक टनल से गुजरे और वो भी अच्छा लगा। हम अब तक कैनन बीच नहीं पहुंचे, लेकिन बीच में यहाँ पे हमने हॉल्ट दिया है। तो ये है जायंट ट्री। तो यहाँ पे रेस्टेरिया है, लोग टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं और ये ट्री को देखते हैं यहाँ पे। और ये बहुत ही पुराना ट्री है। हमारे जो गाइड थे वो इसके बारे में बता रहे थे हमें, और इंफॉर्मेशन मिला हमें काफ़ी इस जगह के बारे में, यहाँ के ट्रीज के बारे में एंड ऑल। और ये जगह भी काफ़ी अच्छा है। थोड़ा सा एक काफ़ी दूर में, कुछ दूरी में एक रिवर भी है। और ये ट्री काफ़ी यूनिक है, क्योंकि इसका जो नीचे वाला हिस्सा है ये 2 पैर के तरफ तरह दिख रहा है, और ट्री ऊपर में एक ही है। तो ये लाइफ में मैं पहली बार ही देख रही हूँ ऐसे ट्री, और काफ़ी अच्छा लगा। और हम ऑलमोस्ट कैनन बीच की तरफ पहुँच ही गए हैं। और ये छोटा सा टाउन है कैनन बीच तक पहुंचने से पहले। और यहाँ पे काफ़ी शॉप है, रेस्टोरेंट है। तो हमारे जो गाइड हैं वो बता रहे थे कि जब हम लौटेंगे कैनन बीच से, तब हम यहाँ पे स्टॉप देंगे 30 मिनट्स के लिए शॉपिंग करने के लिए। तो ये जगह भी काफ़ी अच्छा है। तो अगर जो लोग कार में आते हैं तो
उनका तो टाइम ही टाइम होगा। तो यहाँ में ये छोटा सा टाउन बहुत ही सुंदर है, यहाँ पे बहुत सारा गिफ्ट शॉप है। आपको कुछ भी, यहाँ पे क्लॉथिंग शॉप भी है, आप कुछ भी शॉपिंग कर सकते हैं अच्छे से। यहाँ पे काफी टाइम विजिट टूरिस्ट बिताते हैं एक्सप्लोर करने के लिए। यहाँ पे आइसक्रीम पार्लर भी है और चॉकलेट्स का भी दुकान है, यहाँ पे शॉप है। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और ये छोटा सा टाउन है और सजाया हुआ है बिल्कुल, बहुत ही अच्छा है। और ये कुछ घर भी है, हम कैनन बीच दिख रहा है यहाँ से हमें। और हमारे जो गाइड है वो बता रहे थे कि ये हाई सुनामी का चांसेस है इस जगह पे। और ये घर से तो हुई, फाइनली हम अभी बीच पहुंच चुके हैं। और ये बीच बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर है ये बीच। और वी आर रियली हैप्पी टू बी हियर। और चलिए मैं आपको दिखाती हूँ ये बीच कैसा है। एंड कैच यू लेटर एवरीवन। इस बीच में हमें 40 मिनट्स का टाइम मिला है, तो 40 मिनट्स में जितना एंजॉय करना है करना है। एंड यहाँ पे काफ़ी कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ था कि यहाँ पे टाइट पोल्स काफ़ी लाइव है, तो बी केयरफुल। हमारे जो गाइड्स हैं वो भी हमें बता रहे थे। तो और पानी बहुत ठंडा है, मुझे नहीं पता कितना ठंडा होगा, तो वो तो पानी में जाने के बाद ही पता चलेगा। इस बीच का व्यू भी अमेजिंग है, यहाँ पे हिल और सी एक साथ है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और जिनका यहाँ पे घर है वो तो बहुत ही लकी है। तो टाइट आने के बाद ही पता चलेगा। तो बहुत ही ठंडा था पानी, जैसे ही न्यू टाइट आया वैसे ही एकदम पैर सुन पड़ गया। ज़्यादा टाइम रहेंगे पानी में तो पैर सुन पड़ जाएगा, तो बहुत ही ठंडा था पानी यहाँ पे। पैर सुन पड़ जाता बीच को गुड बाय करने का टाइम आ चुका है। तो अभी हम जाएंगे लंच करेंगे, लंच के लिए टाइम मिलेगा। उसके बाद वापस जाते टाइम शॉपिंग करने के लिए भी 30 मिनट्स मिलेगा। तो देखते हैं कि यहाँ पे सी फूड रेस्टोरेंट काफ़ी है, तो देखते हैं आज कुछ देखेंगे कि कुछ सी फूड ही एक्सप्लोर करेंगे मे बी। रेस्ट एरिया के पास एक बनी था, तो यहाँ पे दो थे, एक बिस्किट कलर का जो पेड़ के अंदर है वो शायद आपको नहीं दिखेगा, और ये ब्लैक कलर का बनी दिख रहा था वहाँ पे। यहाँ पे हम आए हैं लंच करने के लिए, इसके अंदर बार भी है और रेस्टोरेंट भी है, तो यहाँ पे लोकल वाइन और बियर भी मिलता है। तो हमारे गाइड हमें बता रहे थे कि बियर यहाँ पे हमेशा टेस्ट करने के बाद ही ऑर्डर करना चाहिए। तो हम मुझे तो कोई सी फूड टेस्ट नहीं करना है, तो मैंने सैलड मंगाया। और ये है एक श्रिम्प प्रॉन्स कुछ है, और ये प्रॉन कॉकटेल है और वो सूप है। तो हम लंच करके अभी और एक दूसरा बीच में जा रहे हैं। और यहाँ पे हमारे गाइड जो है वो बता रहे थे कि ये जो कोस्टल एरिया है यही इसी जंगल में, यही के आसपास के जंगल में ट्विलाइट मूवी का शूटिंग हुआ था।
और ट्विलाइट मूवी तो मेरा फेवरेट है। जो मैंने ट्विलाइट का हर सीरीज का हर एक मूवी मैं मोर देन 17 टाइम्स मैंने देखा है, और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। जब भी टाइम मिलता है तो मैं देख लेती हूँ ट्विलाइट मूवीज, तो ये बहुत ही अच्छी जगह है। और ये जो यहाँ पे काफी फर्न्स है नीचे जंगल के जो सॉइल है इसमें है फर्न, तो अगर आप कमेंट करके बताइए अगर आपको भी ट्विलाइट मूवी आपका भी फेवरेट होगा तो मुझे बताइए कि आपने कितने बार देखा है। और ये हम पहुंच चुके हैं दूसरे एक बीच में, और ये पार्किंग एरिया है। बीच तक जा रहे हैं, ये बीच थोड़ा नीचे की तरफ है, तो ये जंगल के बीच में से कुछ झाड़ी है यहाँ पे, इसी के अंदर से बीच में जाने का रास्ता बना है। और अभी हम दूसरे बीच में हैं, उसके बाद पहले वाले बीच के बाद हम लंच किए, फिर शॉपिंग करने के लिए भी टाइम मिला हाफ एन आवर, एंड आफ्टर दैट वी केम हियर फॉर एंजॉय। और यहाँ पे भी हमें टाइम मिला है आधा घंटा 30 मिनट्स, सो एंजॉय करेंगे, पिक्चर क्लिक करेंगे, और ओके देन कैच यू लेटर। ये बीच भी बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा लग रहा है इस बीच पे आके, और मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे और पानी में नहीं उतरूँ क्योंकि पानी में उसका एक्सपीरियंस हो चुका है मुझे, बहुत ही अच्छा लगा। वही सोच रही थी अगर सनी डे में आते हैं तो और भी मज़ा आता, लेकिन आज का वेदर क्लाउडी है, फिर भी हम बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। सो ओके देन कैश लेगा। यहाँ पे हम आए हैं एक व्यू पॉइंट में, यहाँ से हम व्यू एंजॉय करेंगे, ये लास्ट पॉइंट है, इसके बाद पोर्टलैंड के लिए स्टार्ट करना है, और पोर्टलैंड पहुँचने में अराउंड 2.5 से 3 घंटा लग जाएगा, और ट्रैफिक भी होता है इस टाइम पे काफ़ी। ये जगह भी बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे व्यू एंजॉय कर सकते हैं अच्छे से, बहुत सारे पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं, तो हमने बहुत सारे पिक्चर्स तो क्लिक किए हैं,
बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे, और मैंने शॉपिंग ही भी किया है वहाँ से। तो जंगल के बॉटम में फर्न भी हुआ है काफी सारा, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये फर्न ही फर्न है सारा, चारों बड़े बॉटम में कारपेट जैसा लगता है दिखने में, और फर्न्स तो काफी अच्छे हैं यहाँ पे। और मुझे पता चला कि पोर्टलैंड में, ओरेगॉन में स्पेशली लैवेंडर बहुत होते हैं। तो मेरे पास तो पहले एक लैवेंडर का प्लांट था, बट इस बार नहीं मैंने लिया। पोर्टलैंड का डाउनटाउन एरिया है, तो मैं ये भी थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ। हम यहीं से पिकअप और ड्रॉपिंग पॉइंट यहीं पे था हमारा, पीछे मैरियट होटल है। और यहाँ पे बहुत सारे ब्रांड्स हैं शॉपिंग करने के लिए, बहुत ही अच्छा है इसके आसपास। तो इस बार तो हम कुछ नहीं लेंगे क्योंकि मेरे पास बहुत कुछ सब कुछ है, तो नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे तब शॉपिंग ज़रूर करूँगी मैं। चुके हैं, अभी शाम के 6:30 बजे हैं, तो आज भी हम बहुत टायर्ड हो गए हैं। और अभी फूड ऑर्डर करेंगे और फिर खाएंगे। सो कैच यू लेटर, बाय बाय।